देखिए, काम समय का दूसरा भाग हम बना रहे हैं। तो पार्ट वन में हम चार नियम बता दिए हैं और हम पांचवा नियम हम पार्ट टू में बता रहे हैं। तो बच्चों से मेरी एक विनती है, वीडियो जरूर देखिए। अगर काम समय में कहीं अगर कोई सवाल या कोई नियम है, अगर नहीं तैयार है, तो हम हर नियम हम इसी वीडियो के माध्यम से बना करके आप लोगों के पास भेजेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करिए, तो लाइक जब करेंगे आप, शेयर करेंगे, तो हमको लगेगा कि हमारे बच्चे देखते हैं। तो हम यानी वीडियो बना करके आप लोगों को हम देते रहेंगे। तो नियम पांच देखिए, नियम पांच है क्या? पहले हम सवाल पढ़ेंगे काजी से। सवाल क्या कह रहा है देखिए, सवाल में लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी पूरा भाग कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, जब कभी ऐसी सीन आती है, सवाल पढ़िए, सवाल में देखिए, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी 2 बार आया है। देखिए, एक तो ए जो है बी के साथ मिलकर के काम कर रहा है, यहां देखिए बी जो है सी के साथ मिलकर के काम कर रहा है, और यहां देखिए सी जो है ए के साथ मिलकर काम कर रहा है। यानी कि दो ही ए है, एक ही यह हुआ, एक ही है, एक बी यह हुआ, एक बी मतलब इसके साथ में है, एक सी यहां है, एक सी यहां है। तो जिस सवाल में जब एक ही व्यक्ति दो दो बार आया हो, तो हम क्या मतलब ऐसी सवाल को हम कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले दो लिखेंगे। अच्छा, दो क्यों लिख रहे हैं हम, समझ रहे हो? क्योंकि दो ए है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसलिए पहले हम दो लिखेंगे। जैसा कि हमने कहा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक है मतलब का भाग, इसका मतलब तीनों जने के एक दिन का काम निकालेंगे। पहले जैसा हम वीडियो वन में हम बताए हैं, नियम वन में हम क्या बताए हैं, यही कि सबसे पहले अगर लिखा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इसका मतलब पहले दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये दो हमने क्यों लिखा, क्योंकि दुई दुई बार ए है और 2 बार बी है और 2 बार सी है, इसलिए दो लिखेंगे। फिर ब्रेकेट के अंदर ए प्लस बी और प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर। जब दो दो बार रहेंगे तो दो पहले लिख करके और फिर हम ब्रेकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे का एक दिन का काम बराबर। अब कैसे होगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 भाग करेंगे। और प्लस बी और सी मिलकर 12 दिन में उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 भाग। पूरा भाग जितना काम करते हैं जितने दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/2 उतना कर दीजिए, 1/12। और फिर प्लस, फिर लिखा है सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो क्या मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15 भाग। ये है। अब प्लस हमने क्यों लिखा, इसमें लिखा हुआ तीनों मिलकर, जो ने सवाल में लिखा रहा है तीनों मिलकर, जान लीजिए प्लस लिखा जाएगा, दोनों मिलकर इसका मतलब प्लस रहेगा। तो प्लस हमने लिखा, अब इसको जब हल करेंगे हम, तो ऐसी संख्या हेरिए 10
दस बारह पंद्रह का चाहे एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है इसे, ऐसी बड़ी संख्या ये देखिए कौन सी संख्या है कि हम उसी मतलब कि 10 से भाग देने पर वही संख्या कट जाए, उसी संख्या को हम 12 से भाग दें तो कट जाए, और उसी संख्या को हम 15 से भाग दें तो कट जाए, इसका मतलब 60। 60 एक ऐसी संख्या है, अगर हम 60 को 10 से भाग दें तो कितना ये 10×60, और फिर अगर हम 60 को 12 से भाग देंगे तो 12×5=60, अगर हम 60 को 15 से भाग दें तो 15×4=60, अभी कितना हुई है 6×5=11 15/60 भाग। ये नहीं कहने का मतलब, अब कह रहा है तीनों मिलकर, लेकिन इसमें तीन लोग नहीं है, इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग हैं भाई, दो बार ए है दो बार बी है दो बार सी है। तो पहले हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, तो पहले एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, तो 15/60, और एक दिन का काम निकालेगा ई जो दुया है, जब इसको इधर ले जाएंगे हम तो नीचे हो जाए, नीचे हो जाए इंटू दो। हमेशा जान लीजिएगा ये संख्या हमेशा जब बराबर उधर जाए तो बटे हो जाए इतना भाग, अब इसको जब हम काटेंगे तो बराबर आ जाए 15/60 इंटू दो, तो 15 × 15 और 15×60 1/4 × 8 भाग। ये इसका मतलब तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/8 भाग। तो कह रहे हैं तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अब पूरा भाग निकालने का है तो लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी पूरा भाग, यानी कि पूरा भाग या पूरा काम करेंगे बराबर, तो जो नीचे लिखा है एक दिन में जितना काम कर रहे हैं 1/8 भाग कर रहे हैं, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, तो जो ये हर है ये अंश बन जाए, जो नहीं हर अंश है ये हर बन जाए, यानी कि 1/8 जो है ये 8/1 हो जाए, ये जो भाग है ये भाग जो है दिन में बदल जाए, अब 1/1 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि 8 दिन। ये अगर कहीं दिक्कत हो तो इसी टाइप के हम दूसरे सवाल बता रहे हैं, देख लीजिए नियम 5 के एक हम एक सवाल और बता रहे हैं आपको, देख लीजिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, अगर मान लीजिए यही चेंज रहे, जहां ए और बी है यहां राम और श्याम कर देंगे, राम और श्याम मिलकर, श्याम और मोहन मिलकर, मोहन और राम मिलकर, तो उसी को हम यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, अगर ए और बी अगर किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, वही काम अगर बी और सी मिलकर के काम करें तो उसी काम को 12 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को सी और ए मिलकर के यदि करते हैं तो उसी काम को करने में कितने दिन लगता है, 6 दिन लगता है, लेकिन बताना क्या है, बताना यह है कि तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अब देखिए इधर, अब देखिए इसमें क्या है, 2 बार ए है, जिस सवाल में दो दो बार एक ही व्यक्ति अगर दो दो बार है तो इसका मतलब पहले हम 2 लिखेंगे तो ब्रेकेट के अंदर जो जो नाम रहेगा एक एक नाम ब्रेकेट के अंदर लिख लेंगे हम, तो एक बार ए लिखेंगे, एक बार बी लिखेंगे, एक बार सी लिखेंगे, ठीक, जब लिख रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो एक है मतलब पहले एक दिन का काम निकाला, जैसा हम पार्ट 1 में हम बताए हैं, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा तब यानी पार्ट 2 समझ में आ जाए, तो यानी कि पहले एक दिन का काम निकालेंगे, निकाल
एक दिन का काम का एक दिन का काम बराबर। अब यानी दुई दुई का है बरे लिखे दुई बार ए यहां है, दुई बार बी यहां है और दुई बार सी यहां है। तो दुई लिख के ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर। अब क्या हुई है? अब यानी ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? आठ दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक बटे आठ। पहले हम एक दिन का काम इनका और धन एक दिन का काम इनका, धन एक दिन का काम इनका। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं ना, तीनों लोगों का एक दिन का काम निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम एक एक दिन का काम हम प्लस करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक बटे आठ भाग करेंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक बटे बारह भाग करेंगे। सी और ए एक दिन में एक कितना काम करेंगे? एक बटे छह भाग करेंगे। इतना भाग करते हैं एक दिन में। अब इसको हल करेंगे। अब इसमें लघुत्तम ले लीजिए 24। जब हम 24 का है बरे रहे, अगर हम 24 को 8 से भाग दें कट जाएगा। 8 त्रिक 24 तीन आइए तीन लिख दिया। अगर हम 24 को 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 दुई आइए। और प्लस अगर हम 24 को 6 से भाग दें 24 चार आइए। इतना भाग हो गया। अभी कितना हुई है? तीन दुई पांच चार नौ, नौ बटे 24 क्या भाग। अब 9 बटे 24 भाग कितने लोग कर रहे हैं? हमें निकालना है तीन लोगों का काम। तीनों लोग तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? लेकिन ये हमारा मतलब कितने लोगों का है? दुई बार ए है, दुई बार बी है, दुई बार सी है। तो इसलिए हमका केवल ए प्लस बी प्लस सी पूरा भाग कितने दिन में करेंगे यही निकालना है। तो पहले इसको हम भेजेंगे इधर। तो लिखेंगे क्या हम यहां एक लाइन और लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर। तो एक दिन का काम बराबर कितना है? 9 बटे 24। जो संख्या यहां रहेगी इसको जब इधर ले जाएंगे तो बटे दुई हो जाए। इतना भार हो गया। अभी बराबर कितना हो जाए? ये बराबर हो जाए 9 बटे 24 दूना 48। इतना भार। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर कितना है? 9 बटे 48 भाग। लेकिन तीनों लोग अब कह रहा है कि तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इसलिए हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम करेंगे बराबर। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो हम बताइए जितना काम एक दिन में कर रहे हैं, अब हमें पता लगाना है पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन का काम जो है, जो अंश में है उसको हर कर देंगे, जो हर में है उसको अंश में कर देंगे। यानी कि 48 बटे 9 जो भाग है, जब अंश को बदल देंगे हम, अंश और हर को दिन में हो जाए। अब देखिए अब इसको भाग देंगे हम। अब इसको अगर 9 से भाग देंगे, 9 पचे 45, 8 में 5 के 3, 4 में 4 के कुछ नहीं, अब 5 सही 3 बटे 9। अब एक मतलब 3 का नाम 3 और 3 त्रिका 9। अभी बराबर हो जाए 5 सही 1 बटे 3 दिन। एक नियम तो ये है, एक नियम है जैसे मान लीजिए राम और श्याम किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, श्याम और मोहन उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और मोहन और राम उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में काम करेंगे? तो जिस तरह से बताए हैं इसी तरह से देख लीजिएगा नियम 6। देखिए बच्चे हमारे सवाल देख करके कहते होंगे कि गुरुजी वह नियम 5 के सवाल ये फिर से लिख दिए हैं। तो वही सवाल नहीं है, चेंज है। देखिए लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में। तो
तथा सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला या बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा या सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जो इससे पहले सवाल हम बताए थे उसमें था, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए वहां यानी उसकी जगह पर दे दिया जाए, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यही है। तो अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, जब ऐसे सवाल रहे तो कैसे लगाएंगे हम? पहले देखिए इसमें ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाए, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम तो एक दिन का काम बराबर कितना हो जाए, 1/10 भाग हो जाए, 1/10 भाग। फिर कह रहा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक है मतलब बी और सी का एक दिन का काम, सबके एक एक दिन का काम निकालेंगे, लिखेंगे बी और सी, बी और सी का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम बराबर कितना है, जब पूरा भाग 12 दिन में करता है तो एक दिन में करेंगे 1/12 भाग। फिर क्या दिए हैं सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं, जब सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं तो सी और ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम बराबर जब पूरा भाग 15 दिन में करता है तो एक दिन में बटे 15 भाग करिए। अगर कभी ऐसी सीन आती है कि दुई बार ए हो, दुई बार सी हो, दुई बार बी हो, तो जैसे हम सवाल यानी कि नियम 5 बताए हैं, पहले हम कुछ दूर मतलब दूरी तक वहीं चलेंगे हम। अब देखिए दो बार ए है, दो बार बी है, दो बार सी है, तो 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, तो एक दिन का काम का हो गया यानी 1/10, मतलब ए और बी का एक दिन का काम जितना हो, प्लस फिर बी और सी का एक दिन का काम जितना हो, प्लस सी और ए का एक दिन का काम जितना हो, इतना बार। अब इसको जब हल करेंगे, इसमें हम 60 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये कितना लीजिए, अब यानी कि 60 को हम 10 से भाग देंगे 6, प्लस 60 को जब 12 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 5, अधन 60 को हम 15 से भाग देंगे तो 15 × 4 = 60, यानी कि कितना आ गया, ये 6 × 5 = 11 = 15/60 भाग, कितना आ गया। अब इस 2 को यहां से हटाएंगे, अब लिखेंगे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर का हमने 15/60, पहले उतार लीजिए, ये जो 2 है जब इसको हम इधर ले आएंगे ये नीचे हो जाए इतना भाग, ये भी बराबर हो जाए जब इसको काटेंगे हम, तो 15/60 × 2, तो 15 × 15 और 15 × 60, यानी कि 1/4 × 8, इतना भाग, ये इतना आई। आप ध्यान से देखिएगा तनिक की यहीं से, एक है मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर कितना हो गया, 1/8 भाग। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर ए का काम निकालेगा तो पहले ए का एक दिन का काम निकालेंगे, अगर बी यानी कह दी जाए कि बी पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब पहले हम निकालेंगे बी का एक दिन का काम, जे का पूरा भाग निकालेगा है उसी का पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे। अगर ये पता लगाना है कि
ए पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो पहले पता लगाएंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेंगे। तो पहले लिखेंगे ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम बराबर एक दिन का काम। तो कैसे निकालेंगे देखा, अब जो तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/8 है। अब इसमें देखना है किसमें ए नहीं है, मतलब कि ये जो तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं इसमें से हम घटाएंगे किसका काम घटाएंगे। ए का एक दिन का काम बराबर अभिन अगर लिखा हो तो अभिन कह दी जाए तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम बराबर 1/8 लिखा जाए वही माइनस। अब ए का काम निकालना है तो देखिए ये तो इसमें दिए हैं, इसमें ये लाइन में ये दीना है और मतलब ये लाइन में ये दीना है, यही लाइन में ये नहीं दीना है। तो जिस लाइन में ये नहीं है उसी का एक दिन का काम अगर हम घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा ए का एक दिन का काम। समझ में आई क्या? अगर हम 1/8 में से मान लीजिए अगर हम 1/10 घटा दें तो 1/10 घटाएंगे किसका काम एक दिन का निकलेगा, इसमें सी नहीं है तो सी का एक दिन का काम निकलेगा। अब अगर सी का एक दिन का काम निकाले को तो हम यानी कि 1/10 घटाते हैं। आप देखिए इधर तो अभी भैया अभी लघुत्तम ले लीजिए, 24 लघुत्तम ले लिए तो 8 3 24 तीन आ गया माइनस 24 का अगर हम 12 से भाग दे तो 12 2 24 ये बराबर कितना हो गया 3 में से 2 1/24 भाग। अब कह रहा है कि नहीं कि इसमें कह रहा है तो ए अकेला पूरा भाग कितने दिन में करेगा, हम निकाले ही ए का एक दिन का काम। तो अब ए का पूरा भाग निकालेगा तो अब लिखिए ए पूरा भाग, ए पूरा भाग करेगा बराबर तो ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा बताइए। ए का एक दिन का काम जितना है वही के अंश और हर को बदल दिया यानी कि 24/1 कर दीजिए कितने दिन हो गए बराबर 24 दिन। ये कहने का मतलब अगर सवाल देख लीजिए इसका हम एक ही नियम बताएंगे हम। अगर मान लीजिए यहां होता तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, अगर बी का होता है तो यहां लिखते हैं बी का एक दिन का काम बराबर 1/8 माइनस। अब हमन पहले देखिए कोने में बी नहीं ना, एहमन बी है एहमन है बी एहमन नहीं ना, तो यह 1/15 घटा देते तो हमारा बी का एक दिन का काम निकल आता। जब निकल आता तो हम बी का पूरा भाग निकाल लेते, वही अंश को हर बना लेते और हर को अंश बना लेते, उतना दिन हमारा आ जाता। तो इस तरह से है। अब अगला नियम बताएंगे हम 7। नियम 7 देखिए, नियम 7 क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ किया परंतु काम समाप्त होने के अंतिम 5 दिन पहले ये चला गया तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका मतलब कि ए और बी काम करना प्रारंभ कर दिया, ए और बी काम करना प्रारंभ कर दिए लेकिन अब कितने दिन तक काम की ये नहीं मालूम है, केवल ये कह रहा है कि काम समाप्त होने की अंतिम 5 दिन पहले, पता नहीं 2 दिन काम के हैं 3 दिन के हैं 4 दिन के हैं 5 दिन के हैं अब ये नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया अब आज से हम नहीं आएंगे, अब 5 दिन के लिए काम है कर लीजिए। इसका मतलब जो अंतिम 5 दिन काम किए हैं कौन किया है, मतलब ए तो चले गए तो बी ने काम किया है, इसका मतलब कि ये बी जो है जो उस 5 दिन कौन काम किया है, उस 5 दिन में कौन काम किया, ये चला गया इसका मतलब बी ने काम किया है। अब देखिए बी ने 5 दिन में कितना काम किया है वही 5 दिन का काम घटा दीजिए, बाकी जो शेष काम आएगा इसका मतलब कि इतना भाग दोनों मिलकर के किए थे। तो अब देखिए पहले कहने का मतलब
अब ये चले गए हैं, ये से कोई मतलब नहीं है। अब बी का लेंगे हम, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना हो, ये बी का एक दिन का काम, तो बी का एक दिन का काम बराबर हो ये 1/15। जब यानी बी पूरा काम 15 दिन में कर रहे हैं तो बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15। तो काम समाप्त होने के अंतिम 5 दिन पहले ये चला गया, एक है मतलब कि अंतिम जो 5 दिन काम किए हैं केवल बी अकेले किए हैं बस। तो अब यही पता लगाना है कि अंतिम 5 दिन में बी ने कितना काम किया था। जब हम बी का एक दिन का काम बराबर 1/15 है तो बी का 2 दिन का काम कितना हो गया, 2/15 है। बी का 3 दिन का काम बराबर 3/15 है। अब बी का 4 दिन का काम बराबर 4/15 है। और हमें बी का कितने दिन का काम निकालना है, 5 दिन का काम निकालना है। तो यहां लिखेंगे बी का 5 दिन का काम बराबर, तो 5 दिन का काम बराबर कितना है, 5/15 भाग, यानी कि 5 करना 5, 5 तिहाई 15, 1/3 भाग, यानी बी का 5 दिन का काम बराबर कितना है, 1/3 काम। इसका मतलब 1/3 काम बी अकेले किए हैं, बाकी जितना काम बचा हुआ था वो का ए और बी मिल करके किए हैं। तो अब यह पता लगाना है कि ए और बी मिल करके जो काम किए हैं वो कितना काम किए हैं। तो हम अब शेष काम निकाल लेंगे। तो शेष काम क्या कैसे निकालते हैं, तो शेष काम बराबर 1 में से जितना काम किए हैं उतना घटा दीजिए, इतना भाग 1 - 1/3, तो यह ये 3 अधिकतम रहेगा, 1/3 है नहीं, देखिए मतलब 3 का मतलब 3 और माइनस 3 से 3 कट जाए 1, ये बराबर कितना है, 3 में से गए 2/3 भाग। अब इसका मतलब यह हुआ कि बी अकेले जो 5 दिन तक काम किए हैं तो 5 दिन में कितना काम किए हैं, 2/3 और 1/3 भाग। अब 1/3 भाग काम करने के बाद कितना काम शेष बचा है, 2/3, इसका मतलब कि दोनों मिलकर के 2/3 भाग किए थे। अब यही पता लगाना है कि 2/3 भाग ए और बी मिलकर कितने दिन में किए हैं। तो चलिए फिर से अब वही नियम एक लगेगा, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, तो यानी कि ये पता लगाना है दोनों मिलकर के 2/3 भाग कितने दिन में किए हैं, दोनों मिलकर के ए और बी, तो ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर कितना हो जाए, यानी कि अब ए का एक दिन का काम कितना है, 1/10 है। अधन जब बी पूरा काम 15 दिन में कर रहे हैं तो बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15 करेंगे, इतना। अगर हमें ए और बी का एक दिन का काम निकालना है तो ए का एक दिन का काम जितना हो प्लस अब बी का एक दिन का काम जितना हो, अभी लघुत्तम ले लीजिए, जब हमने 30 लघुत्तम ले लिए तो 10 तिहाई 30 3 आइए और 15 दुनी 30 2 आइए इतना भाग, ये 3/5/30 भाग। इसका मतलब यह है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/30 भाग करेंगे। अब यह पता लगाना है कि 2/3 भाग ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो लिखिए यहां पर, यहां ले दीजिए, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, क्योंकि 5/30 भाग, 5/30 भाग कौन करता है, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं बराबर। अब कितने दिन में करते हैं,
एक दिन में करते हैं, एक दिन में। इसलिए अब देखिए ना, अब पूरा भाग नहीं निकालना है, इसलिए शेष काम, जो शेष काम बचा हुआ, अब यही पता लगाना है कि यह 2/3 भाग का ए और बी को काम करने में कितना समय लगा है। तो अब लिखेंगे यहां, यहां 5/30 है, यहां लिखेंगे 2/3 भाग, कौन करेगा, दोनों करेंगे बराबर, दोनों करेंगे बराबर। मतलब ही देखा, नंबर एक पे जोड़ रहे, ई पॉइंट जे नीचे वाला ऊपर हो जाए, ऊपर वाला नीचे हो जाए, आई टू यहां जो लिखा हुआ सीधे, मतलब ये पूरा का पूरा इसे ये उधर ही आए, आई टू यहां जे दिन लिखा रहे, एक दिन लिखा यहां, एक यहां उतर ही आए। कहने का मतलब जो 5/30 है इसको पढ़ देंगे तो 30/5 हो गया, ये पूरा यानी जो दूसरी लाइन में है ये पूरा पूरा इसे उतर ही गया, और फिर इंटू एक हो गया। अब इसको जब काटेंगे हम तो कैसे कटेगा, अब देख तीन करना तीन, अब तीन दहम्मा 30, अब पांच करना पांच, अब पांच दूनी 10, एक से एक, एक 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 का मतलब कुछ नहीं, दो दूनी 4 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 भाग यानी 4 दिन, 4 दिन काम करने के बाद, चाहिए कह लीजिए 4 दिन काम करने के बाद ये चला गया। अब बी से क्या कहा कि अब इतना काम बाकी है कि आप 5 दिन में पूरा कर लेंगे, तो 4 दिन तक तो दोनों मिलकर के किए, अब 5 दिन वो अकेले किए तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 4 दिन ई और 5 दिन ऊ, तो 4 5 9 दिन में। तो यहां लिखेंगे पूरा काम, पूरा काम यानी कि 5 दिन तक वो अकेले किए हैं, आधा 4 दिन तक दोनों लोग मिलकर के किए हैं, इतना यानी कि 5 × 4 दिन में, 4 दिन या 5 × 4 9 दिन में पूरा हुआ। तो कहीं दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि यही पता लगाना है कि जो 5 दिन तक तो भी अकेले किए हैं, अब ये पता लगाना है दोनों मिलकर के कितने दिन तक काम किए थे। तो पहले बी का 5 दिन का काम निकाल लीजिए, उसके बाद फिर घटा लीजिए, शेष काम निकाल लीजिए। तो जो शेष काम हमारा आएगा वो मतलब कि अब वो ये बता रहा है कि इतने काम को दोनों लोग मिलकर के किए हैं। अब ये पता लगा लेना है कि 2/3 भाग जो शेष काम आवा है का दोनों जने मिलके कितने कितने दिन तक काम किए हैं। तो अब हम जब निकालेंगे तो कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो इन्हीं कह रहा है इसमें तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम मतलब कि यानी 5 दिन तक वो अकेले किए हैं, 4 दिन तक दोनों मिलकर के किए हैं, इसका मतलब पूरा काम हमारा 9 दिन में हुआ। आज बहुत गर्मी है इसलिए आज हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।